गाइस, हम लोग चल पड़े मेला घूमने के लिए। और देखिए कौन कौन है, मेरा तीनों बहन और मैं और सबका हस्बैंड और सबका बहन मिलके सबका हस्बैंड मिलके जा रहे घूमने। तो मैं आगे आपको लोगों को सबके साथ मिलवाऊंगी एंड चलती हूँ घूमने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और निकलने के बाद ये हम लोगों का फर्स्ट पंडाल है जो कि घर के बगल में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है। और हाँ, देखिए मैंने स्पीड कर दी, इस वजह से उस तरह से लग रहा जब मैं उस तरह से चल रही हूँ, नॉर्मली मैं चल रही हूँ जैसे चलती हूँ। एंड पंडाल में एंट्री होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का व्यू एंड बाहर का, देख लीजिए आप लोग किस तरीका से है। और तो चलिए चलते अंदर, और अंदर में देख सकते हैं माँ दुर्गा माँ इस तरीके से है। और यहाँ जो है ना मंदिर ही बना हुआ है, अंदर में मंदिर है जो कि दुर्गा माँ जो है रहता ही है, एक साल रहता है पूरा। एंड जब एक साल हो जाता है तब विसर्जन होता है। एंड ऊपर का कुछ इस तरीके से था जो मैं और एक पंडाल जो हम लोग देख चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल के लिए। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ। और उसके बाद देख सकते हैं इसी तरह से पूरा रोड में जो है लाइटिंग किया हुआ रहता है दुर्गा पूजा के टाइम, एंड काफ़ी खूबसूरत रहता है पूरा रोड, देखने में अच्छा लगता है। एंड और उसके बाद आ चुके हैं नेक्स्ट पंडाल में जो कि आप लोग सुबह में देखे ही थे। तो मैंने इस तरह नाइट का व्यू दिखा दी किस तरीके से, एंड काफ़ी खूबसूरत लगता है लाइटिंग वगैरह हो जाता है तो। और बाकी सब सेम ही है तो इस वजह से मैंने दिखा ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद फिर से हम लोग चल पड़े नेक्स्ट पंडाल के लिए। और देख सकते कहीं कहीं अलग अलग लाइटिंग रहता है, हर पंडाल के आगे अलग अलग तरीके से लाइटिंग किया हुआ रहता है। एंड देख सकते रोड पर इस तरीके से बना हुआ, जहाँ पंडाल आता है मोड़ वगैरह में तो इस तरीके से बना हुआ रहता है। एंड ये आया सबसे बड़ा जो पंडाल बनता है वहाँ पे, जो कि नेशनल हाईवे के पास में है, जो कि आप लोगों को पहले भी बताए थे वो वाला। एंड अंदर में एंट्री होने के बाद दिखाती हूँ मैं नाइट का व्यू, काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में। और दिन का व्यू तो आप लोग देखे ही थे, और ये है रात का व्यू। अगर दिन का व्यू नहीं देखिए और ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जाकर दिन का भी व्यू देख रहे, ताकि आप लोगों को पता चले कैसा है, दिन में कैसा लगते हैं रात में कैसे लगते हैं, तब ज़रूर देखिए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और आज जो है नवमी के दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था पंडाल में। और हाँ, मैंने दिन में सब पंडाल घूम लिया था, पर मेरे बहन लोग जो थे वो लोग नहीं घूमे थे, साथ में घूमना था तो इस वजह से साथ में सब कोई आए एंड फिट से आए, इस वजह से आप लोगों को भी नाइट का भी व्यू शेयर कर पाए और आप लोग भी देख पाए नाइट में कैसा लगता है दिन में कैसा लगता है। और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, और पंडाल घूमने का जो मज़ा आता है ना नाइट में ही अच्छा होता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह रहता है इसी वजह से नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और नाइट में जो टोटो वगैरह नहीं चलता इस वजह से इतना दूर नहीं आ पाते, इसी वजह से हम लोग दिन में ही निकले थे। और नाइट का जो टाइम है हम लोग 1:30 बजे घर से निकले थे, उसके बाद ही हम लोग इतना मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कर पाए, टोटो से जा पाए, पूरा गली गली से लेके जाता है, मेन रोड से भी नहीं जा पाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता तो नहीं जाने देता है। और हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किए एंड थोड़ा सा वीडियो कर रहे थे, तो बस चलते फिर से नेक्स्ट पंडाल के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लाइटिंग किया हुआ है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हर जगह अलग अलग। और ये भी जो पंडाल है ये भी आप दिन में देखे हुए हैं, तो बस इसका भी नाइट व्यू दिखिए। और इसको भी मैंने शॉर्ट में दिखाया है, पूरा अच्छे से नहीं दिखाया क्योंकि दिन में भी आप देख चुके हैं, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले नाइट में कैसे लगते हैं, नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर दिन में अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो इस वजह से उतना अच्छा से वीडियो भी शूट नहीं कर पाए, तो सिंपली इस तरीके से दिखाए हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों के। और ये है मेन हॉस्पिटल, और ये है हम जो कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को जो किस तरीके से मैंने वीडियो शूट किए हैं। और आप लोग से बातें करते करते हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पंडाल। और ये जो पंडाल है मैंने दिन में अभी आप लोगों को नहीं दिखाए थे क्योंकि ये पंडाल में हम लोग दिन में भी नहीं आए थे इसी वजह से, और अभी मैं आई हूँ तो आप लोगों को अच्छा से दिखा रही हूँ फिर से। तो बस अब ये अंदर जाएंगे और अंदर का व्यू दिखाएंगे, और बाहर का व्यू आप देख लिए, अंदर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे भी था तो इस वजह से इस तरीके से मैंने वीडियो शूट किया था। और देखिए इस तरीके से पूरा बना हुआ था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो ग्लास का जो है ना इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था जो कि वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दूर से, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और डिज़ाइन भी पता चलेगा किस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ का दुर्गा माँ भी देखिए क्या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बस यहाँ दुर्गा माँ देखने के बाद हम लोग निकल पड़े और चल पड़े कहाँ पे, हम लोग के पास का जो फील्ड है वहाँ पे आ चुकी है। और इसका नाइट का जो पंडाल का व्यू है इस तरीके से, जो कि मैं आगे अच्छे से दिखाऊंगी। और पास में ही हो रहा था प्रोग्राम जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और मैंने आवाज़ कर दिए थे वरना कॉपीराइट आ जाता, इसी वजह से ज़्यादा नहीं दिखाए हैं। और इधर है बच्चे लोग का खेलने के लिए एंड बच्चे लोग का झूला वगैरह वो सब था। एंड इधर पे लगा हुआ था स्टॉल वगैरह
एंड जो भी शॉप वगैरह होता है मेला वगैरह में लगता है वही सब शॉप बना हुआ है। और इधर भी था एंड इस साइड देख सकते हैं गुड़िया वगैरह एंड कॉस्मेटिक का सामान और खिलौना ये सब इधर साइड में था। और किचन वगैरह का जो सामान है वो आगे आपको दिखेगा जो कि यहाँ पे है। किचन का सामान, बहुत सारा सामान, घर का सामान जो भी मिल जाएगा इधर मिल जाएगा इस साइड में। तो मैंने इस तरीके से दिखाया है आप लोगों को, और पास से ना नहीं दिखता वरना वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इस वजह से मैंने दूर से दिखाया था कि अच्छा से पता चल जाए। पास से भीड़ था तो नीचे से नहीं होता इस वजह से। एंड इधर था ढावा टाइप रेस्टोरेंट एंड काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखने में। और यहाँ पे है लाइट एंड लाइट का कीड़ा भरा हुआ था, तो मैं अभी पंडाल आप लोगों को दिखाती हूँ नाइट में किस तरीके से लगते हैं। तो चलिए पंडाल, एंड पंडाल साइड से देख सकते हैं इस तरीके से लगता है, और सामने से देखिए किस तरीके से लगता है। और सामने से देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दिखने में, जो कि आप लोग दिन में तो देखे ही थे इसका व्यू, जो कि मैंने अंजलि दिन आए थे तब आप लोग देखे थे, एंड मैंने अभी भी दिखाया है कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।